नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदर। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम अशोक गहलोत से युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन के इंतजाम करने की उठाई मांग। कहा, मोदी भूल सकते हैं लेकिन राजस्थान में युवाओं को मिले फ्री वैक्सीनेशन। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने 18 अप्रैल से शुरू हुए जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों में की सख्ती। संबंध में गृह विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जिलों की सीमाएं की सील। दूसरे जिले में निजी वाहनों के जरिए मेडिकल इमरजेंसी और अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जाने पर होगी पाबंदी। नई गाइडलाइन में ई मित्र आधार केंद्र को खोलने की अनुमति दी गई। बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए सुबह 10 से 2 बजे तक रहेंगी चालू। गाइडलाइन के तहत खाद्य पदार्थ और किराने का सामान से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 तक खुलेंगी, शनिवार और रविवार को रहेंगी बंद। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी, सोमवार से रविवार तक खुलेंगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। अनुमति प्राप्त गतिविधियां हो सकेंगी संचालित। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक के लिए अनुमति। दूसरे जिले में जाने के लिए बसों में ड्राइवर के साथ 50% होगी बैठक क्षमता। उदयपुर में इन दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हो गई है। पुलिस ने लगातार तीसरे दिन कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को दबोचा। यहां कोरोना मरीज के नहीं आने से लोग नाजाद फायदा उठाते नजर आए। इंजेक्शन की करते थे चोरी, पूछताछ में कई इंजेक्शन की चोरी कबूली। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के आधार शिविर में नॉर्वे का एक पर्वतारोही कोरोना संक्रमित पाया गया। पर्वतारोहियों की बड़ी चिंता। अलवर जिले के हालात दिन ब दिन कोरोना से खराब होते जा रहे हैं। जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 5,808 पहुंची। एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। फल सब्जियों की दुकानें सुबह 6 से 12 बजे तक ही खुलेंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली। राज्य सरकार ने बाहर से मेडिकल ऑक्सीजन मंगाया। रेलवे की दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची लखनऊ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। देशमुख के अलावा कई और अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी ले रही है। जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवास भी शामिल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबड़ से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन। पिछले दिनों हुई थी कोरोना संक्रमित।
भूरिया जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने निधन की पुष्टि। ठाणे जिले के भिवंडी में कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती दो कैदी शुक्रवार को हुए फरार। मामले में चार पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। बयाना में रुपयों के तगादों को लेकर दो पक्षों में लाठी बाटा जंग हुई। दोनों पक्षों के लोगों को आई चोटें। जोधपुर के तिवरी में कस्बे में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस ने अपनाए सख्त तेवर। बिना अनुमति कपड़ा ज्वेलरी फैंसी की दुकानें खोलने वालों के काटे चालान। कस्बे में बेवजह घूमने वाले लोगों के काटे गए चालान। प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों में मचा हड़कंप। कोटपुतली एसडीएम सुनीता मीणा ने शुक्रवार को पावटा कस्बे के शहर के घंटाघर और मुख्य बाजारों का दौरा कर निरीक्षण कर भीड़भाड़ होने पर जताई नाराजगी। बाजार में खड़े वाहनों को हटवाया। पावटा पंचायत समिति सभागार में राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक यादव ने चिरंजीवी योजना को लेकर ली बैठक। एएसपी डीएसपी और एसडीएम सहित आला अधिकारियों की ली बैठक। भवानी मंडी में शहर की सारी सीमाओं को सील करने को लेकर एमपी राजस्थान पुलिस प्रशासन की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों की सीमाओं पर हो रहे आवागमन पर रोक लगाने को लेकर सख्ती करने का किया निर्णय। झालावाड़ की भवानी मंडी में दुकान बंद करवाने पर 70 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस से किया अभद्रता। पुलिस ने गिरफ्तार कर पहुंचाया थाने। शुक्रवार सुबह शहर में मनिहारी कपड़ा गारमेंट्स और जनरल स्टोर की दुकानें संचालित करने पर कार्रवाई कर 5 दुकानें सील। प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने पर किया मामला दर्ज। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा सभी दुकानें 12 बजे तक खोलने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से की गई मुलाकात। दुकानें बंद करने से हो रहे नुकसान को अवगत कराया। गंगानगर में राज्य सरकार ने फिर लागू किया वीकेंड कर्फ्यू। पेट्रोल पंप 12 बजे तक खुलेंगे। दूध डेयरी के लिए सुबह शाम कुछ घंटों की मोहलत। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। स्कूल के क्लासरूम में खड़ी थी और अचानक दर्द